नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ टेक्निकल फोर व्हीलर चैनल से। और मैं दोस्तों आज आप सबको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आज हमारे पास एक गाड़ी आई हुई है, टाटा मैजिक है दोस्तों, टाटा एस। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो है गियर का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो चुका है, गियर लगाने में गियर नहीं लग पा रहा है अच्छा से। तो दोस्तों क्या दिक्कत हो सकता है कि जो गियर लगाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, चलिए आज के इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको दिखा देते हैं, यहाँ गियर लीवर जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्ले हो चुका है। और जैसे ही यहाँ पे आप देख लीजिए गियर को हम लगा रहे हैं तो आगे पीछे जो लीवर है हो जा रहा है और गियर जो है बिल्कुल स्मूथ नहीं लग रहा है। तो दोस्तों इसे हम खोल के यहाँ से हटाए हुए हैं और लीवर के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा प्ले हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना तेज़ी से जो है हिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्ले हो चुका है दोस्तों, और गियर लगाने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ भी हो रहा है। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं कि इसका जो गियर लीवर का जो किट है कैसे चेंज किया जाता है ताकि गियर लगाने में बिल्कुल आसान हो जाए और ये जो प्ले बन रहा है इसके अंदर वो ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों इन्हें खोलने के लिए यहाँ पे 10 mm का बोल्ट लगा हुआ है, 4 नट लगे हुए हैं। पहले इसे हम खोलते हैं और खोल के इसे बाहर निकालते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, इसे हम खोल के बाहर निकाल दिए हैं और किट का जो परिस्थिति है वो चीज़ मैं आप सबको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए रबड़ वगैरह जो है बिल्कुल फट के ख़त्म हो चुका है, और ये है इसका अंदर वाला जो किट है जिससे प्ले ख़त्म होता है। इसे आप देख लीजिए, ये भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है घिस घिस के। हम फिटिंग करने जा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा इसे खोल के हम अलग कर दिए हैं और जो किट है वो हम पूरा सेट लेके आए हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर रबड़ और किट सब चीज़ उपलब्ध है। तो चलिए इसे खोलते हैं और दिखाते हैं कैसे फिटिंग किया जाता है। इस प्रोथिन के अंदर आप देख सकते हैं जितना भी किट है सब इसके अंदर उपलब्ध है। दोस्तों यहाँ पे 2 किट लगता है, ये वाला और ये वाला, दोनों को इसमें हम फिट करेंगे। बाकी वाला जो है 2 बूस्ट जो है वहाँ पे सेट होगा और रबड़ यहीं पे फिटिंग होगा। तो चलिए अब कैसे फिटिंग करते हैं उस चीज़ के बारे में मैं आप सबको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इन्हें फिटिंग करने से पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्रीस लगा लेते हैं। ग्रीस लगाने के बाद फिर 1 बूस्ट को इसमें हम डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए इस रड के अंदर लीवर के अंदर 1 बूस्ट को हम पहले लगा लिए हैं, उसके बाद एक छोटा वाला जो रबड़ है पहले हम इस वाले कचौड़ी के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, उसके बाद एक छोटा वाला और है इससे डाल देते हैं। फिर जो है दोस्तों ये वाला जो बूस है इसको हम इसके बाद थोड़ा ग्रीस लगा के अब इसको डाल दिए हैं इसके अंदर। और दोस्तों जब भी इसे डालेंगे तो इसमें एक कट का निशान होगा, ये कट हमें ऊपर की तरफ रखना है। अब उसके बाद दोस्तों इस चीज को हम इस साइड से डाल लेंगे, फिर जो है इसे हम बैठाएंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर कैसे किट डाला जाता है वो चीज़ मैं आप सबको दिखा दिया हूँ। अब उसके बाद ये वाला जो रबड़ है इसको हम इसके अंदर बैठा लेते हैं और फिर जो है अब इसमें हम किट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, जो किट है इसे हम बिल्कुल इसमें फिटिंग कर दिए हैं और जो इसके अंदर 10 mm का जो 4 बोल्ट था उसे भी टाइट कर दिए हैं। टाइट करने के बाद अब यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं हो रहा है, पहले बहुत ही ज़्यादा
ऐसे खींचने के बाद आगे पीछे हो रहा था। यहाँ पे देख लीजिए, पहले इसको हम खींच रहे थे तो बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो रहा था और इसके अंदर प्ले भी बना हुआ था। अब जो है प्ले बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर ये वाले किट को हम चेंज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्ले है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसे हम चेंज करने जा रहे हैं। तो यहाँ भी आप देख लीजिए, इसे खोलने के बाद इसके अंदर जो पुराने वाले बूस है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम नया वाला बूस लगाने जा रहे हैं। यहाँ दोनों साइड से हम दोनों बूस को इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद जो है फिर थोड़ा इसके अंदर ग्रीस को लगा देंगे। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं, पहले इसके अंदर जो बूस थे वो कट गया था, बहुत ही ज़्यादा कितना ज़्यादा प्ले इसमें बना हुआ था। अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा भी इसके अंदर प्ले नहीं है। दोस्तों बूस कट जाने से आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बीमारी हो जा रहा है और इसके अंदर प्ले भी बन जा रहा है। तो अब इसे कैसे बूस को चेंज करना है वो चीज़ मैं आप सबको दिखाई दिया हूँ। अब चलिए गियर लीवर को मैं इसे फिटिंग करने जा रहे हैं हम। पहले इसके अंदर कितना ज़्यादा मैं आप सभी को दिखाया था कितना ज़्यादा गियर लीवर के अंदर प्ले था। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं इसका जो प्ले है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पहले इसके अंदर फाइबर के अंदर आगे भिड़ जा रहा था, अब यहाँ भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्ले जो है ख़त्म हो चुका है और गियर लगाने में भी आसान हो गया है। पहले दोस्तों गियर को लगा रहे थे तो यहाँ पर आगे भिड़ जा रहा था, नीचे की तरफ कर रहे थे तो यहाँ इसमें आगे भिड़ जा रहा था। अब देख सकते हैं आप बिल्कुल कहीं भी नहीं भिड़ रहा है, यहाँ भी नहीं भिड़ रहा है। तो दोस्तों गियर लीवर किट को कैसे फिटिंग करना है आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियो पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।